Assalamu alaikum. One of my friend has just bought a DSLR and this is the first time. And this is Khalil. This is Mohammed Nawaz, Khalil's brother. और अभी हम इसी DSLR से पहला शूट करने जा रहे हैं. सो मैंने अभी रिसेंटली GoPro लिया है, तो मैंने कहा कि GoPro को भी टेस्ट कर लेंगे और जो Canon इसने लिया है वो भी टेस्ट कर लेंगे. सो अभी हम DHA फेज 8 में आए हैं और बिल्कुल खुला इलाका है, एक विस्टा के सामने है बिल्कुल अभी हम. सो यहाँ पे हम अभी शूट करेंगे. मगरिब का टाइम होने में तकरीबन 45 मिनट बाकी होंगे, तो आधे घंटे का ये तकरीबन शूट होगा. और खलील एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं उस लोकेशन पे और वहाँ जाके चेक करेंगे कैसी लोकेशन है और फिर वहाँ पे आपसे जाके मिलते हैं. सो दिस इज़ द लोकेशन एट DHA फेज 8. ये क्रीक विस्टा के बिल्कुल सामने मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और खलील का ये पहला प्रोजेक्ट है. माशाल्लाह बेहतरीन घर बनाया खलील ने भाई एक साल के अरसे के बाद. और अभी इस घर का मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया है. सो अभी अंदर चलते हैं. इसको इसने ये बिल्कुल हर चीज़ को ढका हुआ है ताकि ये बारिश वगैरह की वजह से ख़राब ना हो. सो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से एक लुक देखते हैं कि किस तरह का ये दिखता है. सो ये पहला रूम है और यहाँ से हम अगर बाहर जाएं कॉमन में, सो ये गार्डन की तरफ जाने का रास्ता. और ये सेकंड रूम, यहाँ से बेसमेंट का रास्ता है. और ये है किचन. इसके बाद एक ये रूम है जिसकी लाइट्स ऑफ हैं इस वक्त. और इसके बाद है ये वाला रूम. और ये है वॉशरूम. अभी चलते हैं बेसमेंट पे. मैंने जब पहली दफ़ा लुक किया तो मुझे बेसमेंट का जो लुक आया वो बहुत ज़बरदस्त आया. ये फुल फर्निश लकड़ी से काम किया हुआ है सारा. और जब नीचे जाएंगे हम तो यहाँ सबसे पहले हमें दिखेगा ये जिम का स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर. और एक ये है जहाँ पे हम थिएटर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. तकरीबन 350 yards का जो जगह है वो थिएटर के लिए बेसमेंट में दिया हुआ है. और बाकी जिम वगैरह है, छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं. सो ये सारा सीन है. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये इसका पहला प्रोजेक्ट है, तो मुझे खुशी है कि जॉब वगैरह के सिलसिले में नहीं पढ़ा और अपना ही बिज़नेस स्टार्ट किया. यहाँ से चलते हैं अब हम फर्स्ट फ्लोर पे. सीढ़ियाँ पूरी लकड़ी से फर्निश्ड हैं. ये चेक करें. फर्स्ट फ्लोर पे ये पहला रूम. यहाँ से बिल्कुल सामने क्रीक विस्टा. और ये है वॉशरूम. इसके बाद अब ये आता है आपका किचन, जो कि नीचे वाले से थोड़ा सा छोटा है. और ये रूम, ये वॉशरूम, ये सेकंड रूम और उसके साथ ये वॉशरूम. अब जा रहे हैं हम छत की तरफ. तो ये है व्यू यहाँ से. ये पूरा DHA फेज 8 और यहाँ से क्रीक विस्टा दिखता है आपको. सो बहुत सी जगह हैं यहाँ पर अभी जहाँ पे घर बन सकते हैं. बिल्कुल खाली है और अच्छी जगह है, बट शहर से बहुत दूर है.
सो अभी मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ, खलील से। इसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे, 4 साल हमने एक क्लास में पढ़ा। और हम ये सोचते थे कि इंटर्नशिप्स वगैरह पे जब हम जाते थे तो हम ये सोचते थे कि हम स्टडीज़ के फ़ौरन बाद जॉब पे लग जाएंगे और हम बहुत अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ख़ुद भी 6 महीने की जॉब सर्चिंग के बाद मुझे पहली जॉब मिली थी, लेकिन खलील ने तो शायद जॉब सर्चिंग ही नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि जॉब में कोई जॉब मार्केट हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है। सो ये अभी मुझे बताएगा और आपको भी बताएगा कि इसने प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया और इसमें इसने कितना टाइम लगाया और जॉब को इसने प्रेफर क्यों नहीं किया, बिज़नेस को क्यों प्रेफर किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इंटर्नशिप की तो उस टाइम ही मैंने माइंड सेट बना दिया था कि मतलब जॉब करनी ही नहीं है ना, क्योंकि बिज़नेस में वैसे भी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल सकती हैं, और दूसरा ये है कि लोग आपके साथ मतलब एम्प्लॉयज़ एज ए एम्प्लॉयर काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, जिनकी वजह से उनके फैमिलीज़ को, उनके घर के चूल्हे आपके ज़रिए अगर चल रहे हैं तो ये इससे अच्छे और क्या बात हो सकती है। और ये मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मार्च 2019 हाँ 2019 में स्टार्ट किया था और ये तकरीबन अप्रैल तक मैंने कम्प्लीट कर लिया था, तो समझो 1 साल 1 महीना लग गया, और मतलब 13 महीने ना, तो उसके दौरान फिर कोरोना आ गया जिसकी वजह से वैसे भी काम बंद पड़ गए। व्हाई डिड यू चूज़ दी फेज 8, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल खाली जगह है, ना यहाँ पे मार्केट्स हैं, ना यहाँ पे मस्जिद है, बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी ये बनना शुरू हुआ है इलाका, तो फेज़ 8 ही क्यों? आपकी टोटल एलीट क्लास फेज़ 8 में रहती है पहली बार, तो इसमें अगर आप मेरा भी घर आपने देख लिया ना, इसमें एलिवेशन से लेके थ्रू आउट जितना भी अंदर काम हुआ है इंटीरियर एक्सटीरियर का, वो मतलब मॉडर्न वे पे हुआ है, ठीक है ना, मॉडर्न आर्किटेक्ट और उसमें सारे ये इन्वॉल्व थे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ना सारी एलीट क्लास यहाँ पे मतलब रह रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं रह रही, ये क्या है सामने आपने, ये तो घर बिल्कुल खाली पड़े हैं, अभी बन रहे हैं वहाँ पे शायद, जैसे दूसरे DHA के हम देखते हैं घर बिल्कुल मतलब एक के बाद एक घर, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो घर हैं अभी ये कुछ तो बन रहे हैं और एक मेजर हिस्सा है जहाँ पे अभी तक कुछ बना ही अच्छा, नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ना तकरीबन 3-4 साल हो गए, ठीक है, 4 साल में कितना डेवलप हो गया, आप वहाँ से शूट करें यहाँ से दिखाएं थ्रू कितना डेवलप हो, एक एक स्ट्रीट, ये है कि फ्यूचर अच्छा है इस एरिया का, DHA सिटी और इसको अगर कंपेयर किया जाए तो कौन से, DHA सिटी तो अभी वो तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, ये तो अभी मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं। दिस इज़ द कैनन 800D और मैंने कभी वैसे टू बी ऑनेस्ट कैनन यूज़ नहीं किया, मैंने पहले निकॉन यूज़ किया था, उसके बाद सोनी यूज़ किया था, तो ये है जो कैमरा इसने लिया है और आज हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह का कैमरा। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है इसकी स्क्रीन, क्योंकि टिल्ट हो जाती है और हम इससे अगर ब्लॉगिंग करना चाहें तो अपने आप को देख कर अच्छे से लॉक कर सकते हैं कि हम पूरी स्क्रीन में आ रहे हैं नहीं। अच्छा, ये लिया किसने, खलील को लेने से रहा, खलील को शौक नहीं है, ये मोहम्मद नवाज़ ने लिया और ये बता रहे हैं कि इसने ऑटो पे यूज़ किया है ना, मैनुअल पे अगर हम देखना चाहें इसमें तो 3-4 चीज़ें होती हैं, ISO होता है, अपर्चर होता है और सेपरेटली होती है, अपर्चर हम उसको इसलिए नहीं छेड़ सकते क्योंकि इसमें जो लेंस है वो किट लेंस लगा हुआ है, अगर हमारे पास मैनुअल लेंस होता है जैसे कि 50mm होता है तो हम उसको 1.8 पे शूट कर सकते हैं और इससे हमें बेहतरीन अपर्चर मिलता है जिससे बैकग्राउंड बहुत अच्छे से ब्लर हो जाता है। तो अभी मैनुअल पे इसकी हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं और चेक करते हैं इसका रिजल्ट, कलर्स वगैरह कैनन के हमेशा से अच्छे रहे, और ये वाली पिक्चर देखो ये इसने लिया, ये अच्छी आई हुई है। तो ये है कि अगर हम कैनन अगर लेना चाहें तो फोटोग्राफी के लिए तो अच्छा है, बट वीडियो के लिए थोड़ा इशू ये आता है कि फोकस जो है वो थोड़ा स्लो होता है, मतलब फोकस इन एंड आउट हो रहा होता है, तो ट्राई करके देख लेता हूँ।